आज आपको हम अपने वीडियो में टेंडर का सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में। बेसिकली कोई भी इम्पोर्टेंट टेंडर भरने के लिए हमें उसका सेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने यदि प्रॉपर सेटिंग किया तो टेंडर भरने में कुछ भी नहीं, टेंडर भरने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है यदि आपका सेटिंग प्रॉपर हो। जो भी एरर्स आते हैं वो सेटिंग की वजह से आते हैं। यदि आपका सिस्टम में प्रॉपर सेटिंग ना हो तो आपको बहुत अलग अलग एरर्स आएंगे। तो जो भी है आपका टेंडर के सेटिंग के लिए सबसे मेन आपका टेंडर का सेटिंग है। तो आज की वीडियो में हम कैसे प्रॉपर वे से टेंडर का सेटिंग करेंगे उसके बारे में ये हम वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे। आज सिर्फ हम ई प्रोक्यूरमेंट के वेब पोर्टल के लिए जो सेटिंग होता है उसके बारे में आज बात करें। तो ई प्रोक्यूरमेंट आप टेंडर भरने के लिए आप प्रॉपर वे से आप कैसे अपने सिस्टम को सेटिंग प्रॉपर सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ई प्रोक्यूरमेंट की वेबसाइट पर जाता हूँ जो है mahatenders.gov.in। आप कोई भी वेबसाइट पे जा सकते हैं ई प्रोक्यूरमेंट के। यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन से नीचे में डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे GRE8 है इसको हम डाउनलोड करें। जैसे इस पे क्लिक करते हैं 6 नंबर का टूल मेरा यहाँ नीचे डाउनलोड होना चालू। जैसे मेरा डाउनलोड हो जाता है तो मुझे अभी डाउनलोड में दिख रहा है तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। जब जावा इंस्टॉल करते हैं मुझे इसका प्रॉपर वर्जन चाहिए, वो वर्जन है वर्जन 8 अपडेट 161। यही वर्जन हुआ है, इसके छोड़ के दूसरा कोई भी वर्जन हुआ तो आपका प्रॉपर वे से टेंडर जब आप भरेंगे तो आपको एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाए, इसलिए आपको यही वर्जन चाहिए। और डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये मेरा भी जावा इंस्टॉल हो गया। अभी मैं यहाँ से जावा देखेंगे, सबसे पहले इसका वर्जन देखेंगे जो अपना ये प्रॉपर वर्जन आया है कि नहीं। जी हाँ, नहीं दिख रहा है तो मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँगा, यहाँ जावा सबसे पहले जनरल अबाउट, यहाँ वर्जन है वर्जन 8 अपडेट 1, मतलब ये मेरा अभी प्रॉपर वर्जन। अभी मेरा दूसरा सेटिंग, मैं फिर से वेबसाइट को खोलेंगे जो वेबसाइट से मुझे टेंडर भरना है उसका ये लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा और सिक्योरिटी में जाके एडिट साइट लिस्ट और सबसे नीचे यहाँ पे ऐड का बटन, ऐड का बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लिंक को मैं पेस्ट कर दूँगा और फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा दूसरा सेटिंग। तीसरा सेटिंग, मुझे अभी जब भी टेंडर भरना है तो टेंडर भरने के लिए मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर का जरूरत है, ये क्रोम मुझे सपोर्ट नहीं करता या फिर मोजिला फायरफॉक्स पे भी चलता। तो मैं आज आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का सेटिंग बताऊंगा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप कैसे सेटिंग कर सकते। यहाँ पे सेम ये वेबसाइट को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, वो वेबसाइट में ओपन करता हूँ अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। यहाँ देखिए टूल्स का बटन है, टूल्स पे जाएंगे, इंटरनेट ऑप्शन, टूल्स, इंटरनेट ऑप्शन, सिक्योरिटी, ट्रस्टेड साइट, साइट्स, और यहाँ पे वो वेबसाइट को मैं फिर से पेस्ट कर दूंगा और ऐड। ऑलरेडी एडेड है इसलिए ऐड बता रहा है, नहीं तो आपका ऐड हो जाएगा। क्लोज, ओके। ये आपके 2 बेसिक सेटिंग है और एडवांस सेटिंग है जो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, इससे आपका टेंडर हो जाएगा। देखिए मैं आपको भी सेटिंग दिखाता हूँ कैसे, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं लॉगिन आईडी करता हूँ, मैं लॉगिन हो रहा हूँ, यहाँ चाबा का पॉपअप आना चाहिए, जैसे ही यहाँ पे आया कंटिन्यू करेंगे। चाबा को रन करेंगे, ये लॉगिन का ऑप्शन है, दैट मीन मेरा सेटिंग ओके है, मुझे बराबर प्रॉपर मेरे सिस्टम में सेटिंग हो गई। लॉगिन का मैं यहाँ पे पिन डालता हूँ DSC का, एंटर। ये मेरा पोर्टल खुल गया।